अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। टिकट कटने की खबर से आरजेडी के वरिष्ठ नेता अली अशरफ फातमी का दर्द छलका है। फातमी ने तेजस्वी यादव से मुलाकात कर अपना दर्द बयां किया। मैंने कहा कि मेरे जो लोग फैसला करेंगे, मैं उस राह पे चलूंगा। जो दरभंगा में लोग हमसे कहेंगे, मिथिलांचल के लोग कहेंगे, मैं उस राह। आपने कहा तेजस्वी भविष्य, लेकिन आप ही का भविष्य दांव पर है। मैं तो तेजस्वी को प्रधानमंत्री देखना चाहता हूँ, लेकिन कम से कम मैं तो एमपी बनूं। सूरज, मैं 30 साल से लालू जी के साथ हूँ। फॉर द लास्ट 30 ईयर्स जब वो विपक्ष के नेता थे, तब से उनके साथ हूँ और अच्छे बुरे हर वक्त में उनके साथ रहा हूँ। बहुत सारे राज का हिस्सेदार हूँ, ठीक है। आई हैव ऑल द रिस्पेक्ट फॉर हिम टिल टुडे। आई नेवर टॉक टू हिम इन हाई टोन एवर, कभी नहीं। तो मैं तो हम्बली ही कोई चीज कह सकता हूँ, और हम्बली इस बात को पहुंचा दिया है विपक्ष के नेता के पास कि मैं 7 मरतबा चुनाव लड़ा हूँ और बिहार में 4 मरतबा जीता हूँ लोकसभा के लिए। अगर आप माइनॉरिटीज में ले लें, मुसलमानों में ले लें, तो मैं सबसे सीनियर मोस्ट पार्लियामेंटेरियन हूँ। और अगर मेरा टिकट कट रहा है तो उसकी वजह मालूम होनी चाहिए कम से कम। फातमी ने यह भी कहा कि वो पिछले कई महीनों से मधुबनी से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। क्षेत्र की जनता से बात करने के बाद अब वो अपनी अगली रणनीति की जल्द ही घोषणा करेंगे। पटना से न्यूज़ के लिए रोहित की रिपोर्ट।